अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली तो एक और व्लॉग के साथ हाज़िर हुए हैं। बच्चा पार्टी आई हुई थी तो हमने सोचा उसे घुमाएं और आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करें। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग बहुत पसंद आएगा। हाय कर दो क्योंकि जी आज अच्छा मौसम था तो हम सब घूमने जा रहे हैं। बारिश भी हो रही है, अच्छा मौसम भी हो रहा है तो हम जा रहे हैं घूमने। अभी तो हम जा रहे हैं, अभी व्लॉग बनाना शुरू किया है। ये देखिए जी वेदर और बारिश हो रही है, ये देखिए कंटिन्यूस। तो बहुत अच्छा मौसम है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो फिर हम लोग जा रहे हैं घूमने, फिर हमको दिखाते हैं। पहले हम जाएंगे छोटी शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे आगे कहीं घूमने और कुछ खाने। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो देखिए हमें रिक्शा मिल चुका है, अब हम रिक्शे में बैठने लगे हैं। हम अब रिक्शे में बैठ चुके हैं तो ये देखिए जी हम रिक्शे में बैठ चुके हैं। अनाया जब हम आपको और बारिश इंतहा की और मज़े की होगी। तो बहुत अच्छा मौसम है, हम निकल चुके हैं एंजॉय करने के लिए। तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं। खाने के लिए तो आपको अंदर जाके दिखाते हैं जी। अब हम आए हैं इधर शम्मा बिरयानी, पता नहीं क्या है, बाहर तो कुछ और लिखा था। लाइफा रईस बाबा और हमारी जवाहिर थोड़ा सा बिजी चल रही है। ये सदफ़ हैं जुगनू। ईमान का मूड ख़राब लग रहा है तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकती, ऐसे दिखा देती हूँ। ये थी जी जगह जहाँ पे हम आए बिरयानी खा। ये है जी बिरयानी का लुक, चेक करें गर्मा गर्म निकलते हुए। ये थी हमारी सैलड और रायता। अच्छा प्यारा डिजाइन ये है लाल कोला में, ये वाला एक बच्चों के हिसाब से छोटा प्रिंट है जी। ईमान देख लो शॉपिंग के दौरान लाइफा ने जी ली आइसक्रीम। लाइफा क्या कह रही हो? तो जी अब हमने घूम लिया बहुत, अब हम घर जा रहे हैं। हाँ जी किंजा, गिंदा आप लोग तो घर जा रहे हो अब तो, अब हमारे व्लॉग में आओगे ही नहीं। गिंदा वाले आज नवाब से जा रहे हैं, उनके बाबा उन्हें वो देखे लेने आ चुके हैं। सो अल्लाह हाफिज़, ठीक है, ओके बाय। घर आके बनाने पड़े पकौड़े क्योंकि अम्मी का दिल चाह रहा था कि आज पकौड़े खाने हैं। सो मैंने अम्मी का तकरीबन मिक्सचर जो है वो तैयार कर लिया है, बस इसको मिक्स करना रहता है। मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ और फिर अब हम चाय बनाएंगे और पकौड़े बनाएंगे, उसके बाद मैं उन्हें अपने घर चले जाना है। तो ये देखिए जी अब मैं मिक्स कर रही हूँ
सो अम्मी को थे खाने पकौड़े क्योंकि मौसम की वजह से, और अम्मी की आजकल तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अम्मी को ज़्यादा अलाउ नहीं करती कि बाहर की चीज़ें खाएं। मैंने कहा मैं आपको 2 मिनट में पकौड़े बना के देती हूँ, आप खाओ इंजॉय करो, लेकिन आपको बाहर के पकौड़े मैं नहीं खाने दूँगी। हम एक पार्सल बिरयानी लाए थे वो डेरा भाई के लिए, लेकिन भाई को मिर्चें बहुत लगी तो वो उन्होंने नहीं खाई, ये पड़ा हुआ उसका खाली डिब्बा, ये देखें जी। सो ये हमारा हमेशा भी तैयार हो गया, बस अब हमने ऑयल रखना है 2 मिनट में और हमारे पकौड़े रेडी टू ईट हो जाएंगे। ओके ये जी, तो मैं पकौड़े बनाने लगी हूँ, शुरू कर दी है मैंने पकौड़े बनाना। तो हम सब जी अब पकौड़े खाएंगे, ऑलमोस्ट डन। ये जी 2 मिनट के अंदर आप देखिएगा ब्राउन हो जाएंगे, फिर हम टर्न कर देंगे और पकौड़े रेडी। ये जी मैंने साथ ही चाय भी रख दी थी कि जल्दी से चाय बन जाएगी और पकौड़े भी रेडी हो जाएंगे, तो फिर अम्मी को खाने में मज़ा आएगा। ये देखिए ये चाय रेडी हो गई, चाय मैं सर्व कर रही हूँ, तो अब मैं देनी जाऊँगी सबको चाय वगैरह। सो अब पकौड़े जो कितने पकौड़ों का लुक दिखाओ बन चुके हैं उनका। पकौड़े बन चुके हैं जी, हम ये पकौड़े छकोड़े खाएंगे और हमारे दिन का यहीं पे काम होता है आज के ब्लॉग का। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी।